हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम जॉन है, आप देख रहे हैं जॉन डेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज हमारे पास है ओबेज का 5-1। आज हम इसको थोड़े अलग तरीके से अनबॉक्स करना पड़ेगा भाई। बहुत बड़ा बॉक्स है ये, और ये ना करीबन 16-17 किलो का है। और यार ये देखना तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर एक साउंड टेस्ट करेंगे इसका 3-4 दिन बाद, जो एक प्रॉपर बर्निंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों अब हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, जिसका नाम है और ये इस पे लिखा है प्राउडली इंडियन। प्लीज कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए प्राउडली इंडियन लिखा हुआ, और यहाँ पे ही इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन है और टाइमिंग भी। तो और ये मेरा ना सेकंड प्रोडक्ट है मेरा, ये ओबेज का। वो 4 साल पहले लिया था मैंने एक प्रोडक्ट इनका, सिंगल टावर छोटे वाला 35 वॉट्स का। तो सबसे पहले हम ऊपर मिलते हैं ये प्रोटेक्शन, और ये रहे इसके टावर स्पीकर। भाई साहब बहुत भारी है, इस तरह निकालें भाई, बहुत भारी है। पहले तो इनको यहाँ रखते हैं। और क्या है बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक रिमोट, जो कि इस तरह पैक करके फिर इस तरह लिखा हुआ है। काफी देसी कंपनी है, हमें क्या साउंड अच्छी होनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा बॉक्स और मिलता है हमें, जिसमें हमें एक एफएम एंटीना केबल मिलती है जी, और एक आरसीए टू ऑक्स। ये कुछ यूजर मैनुअल है, तो आप इसको पढ़ लेना अगर कुछ समझना है। तो इसको वापस गिरते हैं बॉक्स में, प्लीज दिखाइए बॉक्स में गिरते हुए। तो एक बार बॉक्स को साइड करते हैं, आपको हम ये अनबॉक्स करके दिखाते हैं। एक चीज और लिखी है, इन ऑप्टिकल मोड योर टीवी डिजिटल आउट सेटिंग शुड बी ऑन पीसीएम। तो गाइस सबसे पहले हम अपने टावर स्पीकर्स की लुक दिखाएंगे, प्लीज दिखाइए जी एक बारी। तो आप देख सकते हैं भाई, सामने यहाँ पे दो ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे भी दो यूनिट है, ये बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट है, ठीक है, और ये वूफर है। इसमें डबल वूफर मिलते हैं, और शायद ये चलो यार अभी नहीं हटाते, बाद में हटाएंगे कभी। प्रीवियस प्ले पॉज नेक्स्ट, यहाँ पे यूएसबी लगेगी, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगा, ये आईआर है। प्लीज एक बार यहाँ पे दिखा दीजिए, ये है, यहाँ पे से आपकी ऑक्स केबल बनेगी, ये ट्रेबल कंट्रोल करने के लिए, ये बेस कंट्रोल करने के लिए, ये वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ऑप्टिकल लगेगी, ये पावर बटन है, ये पावर केबल है। और डिलीवरी एक्सपीरियंस की बात करूं तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिलीवरी की कमी नहीं है, शायद ये फिनिशिंग में ही कमी है। ये दिखाई थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब जो भी है भाई मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना बुरा तो नहीं लग रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी उसमें भी दिक्कत में भी नहीं है, तो रख लूँगा मैं इसको। तो भाई प्रोडक्ट फिनिशिंग और लुक्स की बात करें तो एक नंबर। तो गाइज यहाँ पे आपको ये दो केबल दिख रही होंगी, ये जैसे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है यहाँ पे स्पीकर, तो ये लगेगी यहाँ पर, और ये वूफर तो यहाँ पर लगेगी। अभी आपको दिख रहा होगा इसमें कोई ब्लैक और वो है रेड वाला पोर्ट, तो उसी तरह लगाना आपको। तो अब मिलते हैं साउंड टेस्ट।
एक वीक कम मिल तीन वीक कितों खाना रब जांदा दिल दी दसनी भी पैंदी है वे गल दिल दी ये था इसका कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन और एक हल्का सा साउंड टेस्ट। और आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, इसकी वॉल्यूम मैंने सिर्फ हाफ पे कर रखी थी और ट्रेबल और बेस फुल पे थी, वॉल्यूम हाफ पे थी, तो आपने सुन लिया होगा कि अच्छी खासी लाउडनेस है। और इसकी असली साउंड पता है भाई कब निखर के आएगी? अभी दो तीन दिन बाद असली साउंड इसकी निखर के आएगी भाई। और इसके प्रॉपर साउंड टेस्ट के लिए रेडी रहना, क्योंकि भाई यूट्यूब पे बना तो देते हैं लेकिन एक प्रॉपर साउंड टेस्ट नहीं आता लोगों की तरफ से, क्योंकि वो तो एक काम करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।